बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 42 करेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल गाइडलाइंस फॉर अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम इसमें डिटेल में देखेंगे क्या क्या गाइडलाइंस होती है टीचर्स के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। गाइडलाइंस ऑफ अ टीचर मस्ट, जो गाइडलाइंस होती है टीचर्स के लिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बिलीव ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न। हमें हर एक बच्चे को ऊपर विश्वास दिलाना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट डिस्प्ले पेशेंस फॉर व्हाट वी टीच। जो टीचर्स होती है ना अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को जो पढ़ा रही है उसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ा सके। थर्ड पॉइंट है वर्क टूगेदर एज अ प्रोफेशनल कम्युनिटी इंटेंट ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट। इसमें क्या है जो टीचर्स होती है अपने प्रोफेशनल कम्युनिटी में मिलके एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए जिससे कि जो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके और बच्चे आगे जाके इम्प्रूव कर सके और अचीवमेंट प्रोवाइड हो सके उन्हें, मतलब अचीवमेंट वो अपने लर्निंग में कर सके। फोर्थ पॉइंट सेट अचीवेबल बट चैलेंजिंग क्लास टास्क। इसमें क्या बच्चों के लिए हमें चैलेंजिंग रखने चाहिए जिससे कि बच्चे उस चैलेंज को पार कर सके, परंतु इस तरीके के चैलेंज हो जिससे वो अचीव कर सके। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ही हम डिफिकल्ट टास्क रख दें और वो उसे सॉल्व कर ही ना सके। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड डिफ्रेंशिएट लर्निंग एक्टिविटीज। हमें बच्चों को क्या तरह तरह की लर्निंग एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिससे कि बच्चे एक ही एक्टिविटी करके बोर ना और उनका पढ़ाई से मन ना हटे, इसलिए हमें डिफरेंट तरीके की लर्निंग एक्टिविटीज करवाते रहने चाहिए। सिक्स पॉइंट नो अवर सब्जेक्ट मैटर वेल। जो टीचर्स होती है उन्हें अपने सब्जेक्ट अपने विषय के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि अगर उन्हें अच्छे से नॉलेज होगी तो वो बच्चों को भी अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कर सकेंगे। सेवन पॉइंट प्रोवाइड अ क्वालिटी क्लासरूम इन्वायरमेंट इन विच ऑल स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड बाय द टीचर एंड बाय फेलो स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं उन्हें इस तरीके की क्लासरूम के इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें कि जो बच्चे होते हैं अपने आप को अच्छा फील कर सके, सेफ फील कर सके, उन्हें लगे कि हमारे लिए भी हमें पे भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, उनकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें ऐसे लगे कि हमारी भी कुछ वैल्यू और हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है टीचर्स के थ्रू बाकी अदर क्लास के बच्चों के साथ। एट पॉइंट वर्क हार्ड टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ऑल स्टूडेंट्स। टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप ला सके हर एक बच्चे के अंदर। नाइन्थ पॉइंट मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ अवर स्टूडेंट्स। टीचर को अपने बच्चों से इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन बनाना चाहिए और तालमेल बना के भी रखना चाहिए जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके और बच्चों की भी जो एक्सपेक्टेशन हो वो हाई हो सके। इस वजह से जो टीचर्स होती है उन्हें हाई एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के साथ बना के रखनी चाहिए। टेंथ पॉइंट प्लेन एक्सलीट टीचिंग एक्टिविटीज डेट स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों के लिए क्या होता है मैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जो टीचर्स एक्टिविटीज करवाती है टीचिंग करवाते वक्त पढ़ाते वक्त उसे इस तरीके से करवाए जिससे कि जो बच्चे का ज्यादा से ज्यादा उसमें दिलचस्पी हो खुद से करने की वो कोशिश कर सके। इलेवेंथ पॉइंट प्रोवाइड एक्सप्लिट फीडबैक डेट हेल्प स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम देयर करेंट टू अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है हमें बच्चों को एक्टिविटीज लर्निंग करवाने के साथ साथ उनका फीडबैक भी लेना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि जो उन टीचर्स ने बच्चों को करवाया है वो उन्हें कितना समझ आया, उससे वो उसके करंट पोजीशन उसको भी जान सकेंगे, प्लस में जब वो उन्हें हायर लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे तो उस चीज को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे ये भी चीज जो टीचर्स होती है वो बच्चों को समझ पाती है। ट्वेल्थ पॉइंट है कीप लर्निंग। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करवाना चाहिए। आगे देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन ऑफ सम गाइडलाइंस फॉर टीचर्स। अब हम कुछ पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या क्या टीचर्स के लिए गाइडलाइंस में एक्सप्लेनेशन दी गई है। फर्स्ट है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। हर एक बच्चे को हमें क्या लर्निंग करवानी चाहिए लर्निंग कर सकते हैं। दे मे नॉट लर्न एट द सेम पेस और इन द सेम वे। इसमें क्या होता है हर एक बच्चा का जो लर्निंग होता है जरूरी नहीं होता एक तरीके से करवाई जाती है सेम होती है सेम तरीके से होती है। दे मे नॉट नीड टू लर्न द सेम थिंग एट द सेम टाइम। हम हर एक बच्चे को हर एक ही चीज के थ्रू ही जैसे एक ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से चीजों को समझा नहीं सकते बच्चे को एक ही टाइम में। इसमें क्या होता है हर एक बच्चे का जो दिमाग की जो कैचिंग पावर होती है अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को कुछ चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती है कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से जो टीचर्स होते हैं उन्हें इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को वो समझ के उसको उस तरीके से लर्निंग करवाए जो उस बच्चों को समझ आ सके।
दे मे नॉट हैव द सेम मोटिवेशन और द सेम इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, हर एक बच्चों को जरूरी नहीं होता कि हमें सेम मोटिवेशन देना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए और सेम इंटरेस्ट के साथ वो उस चीज को पढ़ाई कर सके, बट दे ऑल कैन लर्न। परंतु जो टीचर्स होते हैं उन्हें बच्चों को विश्वास देना लाना चाहिए कि हर एक बच्चा लर्निंग कर सकता है, वो लर्न कर सकता है। दे ऑल कैन लर्न मैथ्स। जैसे कि हम मैथ्स में बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे क्या पहले से डर जाते हैं कि नहीं हम मैथ्स नहीं कर सके, परंतु जो टीचर्स होती है बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि वो भी मैथ्स कर सकते हैं, वो ही मैथ्स के जो सम्स है प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं खुद से, बस थोड़ा उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, थिंग्स नीड टू मेक सेंस टू स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, बच्चों को चीजों को समझने के लिए अपने सेंस का भी थोड़ा यूज करना चाहिए। जैसे कि देखेंगे, लर्निंग शुड बी अ वे फॉर स्टूडेंट्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। हमें बच्चों को जब लर्निंग करवानी चाहिए तो इस तरीके से करवानी चाहिए जिससे कि बच्चे अपने सेंस का यूज कर सकें और उन्हें उन चीजों से रिलेट करना चाहिए जो उनके संसार में, उनके आसपास के इन्वायरमेंट में हो, जिससे कि वो अपने सेंसेस के थ्रू चीजों को समझ सके। इन अ मैथ क्लासरूम डेट मीन्स टेकिंग एवरीडे सिचुएशन एंड यूजिंग मैथ टू हेल्प मेक सेंस ऑफ देम। इसमें क्या है, हम एक मैथ्स की क्लासरूम का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि देखेंगे हर एक बच्चे को मैथ समझने के लिए ऐसा लगता है कि हर एक दिन उन्हें किसी सिचुएशन से जाना गुजरना पड़ रहा है, जिससे और बच्चे को क्या उसकी प्रॉब्लम से दूर करने के लिए हम उसको सेंस का यूज करने के बारे में भी सिखाते हैं, उसकी हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। When math is disconnected from the world students live in, it is viewed as a series of random calculations that don't make sense. इसमें क्या होता है, जब बच्चा मैथ से डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या होता है, बच्चों को क्या संसार के आसपास के एरिया के जहां वो रहता है उस तरीके से एग्जांपल देना चाहिए जिससे कि उस चीजों को समझ सके, और उसे एक रैंडम कैलकुलेशन मतलब नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करवानी चाहिए जिससे कि वो खुद से कैलकुलेशन कर सके, ना कि उसे प्लस माइनस बैठ के या पेंसिल इरेजर की यूज से करना पड़े। As a result, student resort to tricks and memorization and then struggle when novel situation and presented. इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो स्टूडेंट्स होगा ट्रिक अपनाएगा, जो चीजें उसे समझाई गई है उसे याद करेगा, मेमोराइज करेगा, रिमेम्बर करने की कोशिश करेगा, फिर उस चीज से वो स्ट्रगल करने की कोशिश करके उस प्रॉब्लम से सिचुएशन से वो बाहर निकलेगा और फिर जो उसका आंसर आएगा उसे वो रिप्रेजेंट करेगा। मैथ्स needs to make sense to students. Maths में क्या होता है, हम अपने सेंस का यूज करते हैं ना कि उसे रट्टाफिकेशन के थ्रू लर्न करते हैं। इट needs to be a way of organize the world around them. Maths को हमें लर्निंग करने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए हमें आसपास के एरिया के बारे में समझ आना चाहिए, क्योंकि हम उससे मैथ्स को करने के लिए हमें क्या सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे आसपास के एरिया में होते हैं, जैसे हमको सामान लेने जाते हैं या लेके आते हैं तो उसमें प्लस माइनस भी होता रहता है, मतलब हर एक चीज हमारे क्या आसपास के वातावरण से रिलेटेड होती है, तो उसको समझने के लिए हमारे संसार के साथ, हमारे आसपास के समाज के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखेंगे, बिल्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट नो। जो बच्चा होता है वो देखना चाहिए कि क्या उसे पता है क्या नहीं पता, उसको आगे बढ़ाना, उसको बिल्ड अप करना। All students bring experience about the world to a learning situation. हर एक बच्चे को थोड़ा बहुत experience होता है अब जब वो संसार में आता है कि किस तरीके से अपने learning situation से वो आगे बढ़ सके, या फिर अपने learning situation में वो किस तरीके से दिमाग लगा सके अपने experience को लेके। इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई problem हो जाती है तो हम अपने experience के थ्रू ही उस problem को solve करने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हमारी learning में भी जो हमारा experience है वो काम आता है। This Intuiting strategies students already have can be built upon to learn math in a classroom. इसके लिए हम स्ट्रेटेजीज लेंगे कि हम बच्चों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका बिल्डअप करना चाहते हैं, तो हम बच्चों को मैथ्स को पढ़ाने के लिए जब हम क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो उसे जैसे न्यू चैप्टर पढ़ाने से पहले हम उसको पुराना एक्सपीरियंस देखेंगे, बच्चों को कितनी नॉलेज है या नहीं, उस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। All too often there is this assumption that what students need to learn about math comes from a textbook or a teacher. इसमें क्या होता है, ये सारी चीजों को हम नोटिस करेंगे, अजप्शन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, बच्चों का जो लेवल हो किस तरीके से, बच्चों को जो हमें मैथ्स पढ़ानी है टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ानी है, टीचर मैथ्स को अच्छे से करा सकता है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी होती है। फोर्थ पॉइंट है,
देर इज नॉट अ सिंगल बेस्ट वे टू फोस्टर लर्निंग. ये कोई सिंगल बेस्ट वे नहीं होता बच्चों को फोस्टर लर्निंग करवाने के लिए. देखें क्यों. सम मेथड्स मे बी बेटर देन अदर्स बट देर इज नो वन प्रिस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू टीच. में क्या कहा गया है, जो हमारे मेथड्स होते हैं सभी बेटर होते हैं, सभी मतलब हमारे यूजफुल होते हैं, परंतु इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक प्रिस्क्रिप्शन से ही हम अपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम एक ही प्रिस्क्रिप्शन से अपनी जो लर्निंग होती है टीचिंग होती है वो कर सकते हैं. इट वुड बी मच इजियर इफ देयर वॉज एंड आई सी द टेम्पटेशन फॉर द स्कूल और डिस्ट्रिक्ट टू मैंडेट वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास का स्कूल है फिर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल है उसमें जब हम कुछ कार्य करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो एक तरीके से ही बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड की जाती है या फिर एक ही तरीका होता है. However, all students are unique and there can't possible be one way for a variety of individual to learn. इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हर एक स्कूल में बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, परंतु इसमें ये नहीं होता कि जो टीचर्स होती है बच्चों को एक ही तरीके से या उस जैसे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता तो एक ही फॉर्मूला अपनाती है, परंतु इसमें क्या होता है जो टीचर्स होते हैं बच्चों को अगर समझ नहीं आता तो वो एक के बाद दूसरा आइडिया या फिर दूसरा फॉर्मूला लगा के बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है और उनकी जो समझ होती है सबकी अलग अलग होती है, सबको समझने में टाइम लगता है, तो इस तरीके से उसके हिसाब से जो टीचर्स होती है बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करती है हर एक स्कूल में. नेक्स्ट, वी नीड टू क्वेश्चन पॉलिसी डेट डिमांड वन वे ऑफ टीचिंग. इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन की पॉलिसी होती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि टीचर्स का काम होता है कि बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उसे सॉल्व करना, उसके बारे में बताना, ये उनका टीचिंग का एक कार्य होता है. फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, वट स्टूडेंट अंडरस्टैंड इज नॉट द सेम एज वट दे आर एबल टू डू. इसमें क्या होता है कि किस तरीके से क्या बच्चे एक ही आइडिया से सारी चीजों को समझ पाते हैं, अगर नहीं समझ पाते तो उसके लिए जो टीचर्स होती है उसने क्या करना चाहिए. लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जो लर्निंग होती है हमारी समझ के हिसाब से होती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होती है. अंडरस्टैंडिंग इज समटाइम्स कन्फ्यूज विद वट स्टूडेंट कैन डू. जो अंडरस्टैंडिंग होती है समझ होती है हमारी कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो चीज हमें समझ आई या नहीं आई, तो इसमें जो बच्चा होता है स्टूडेंट्स होता है वो क्या कर सके. इफ स्टूडेंट कैन चूज द करेक्ट आंसर ऑन अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट वी समटाइम्स से दैट अंडरस्टैंड अ पार्टिकुलर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है, अगर हम बच्चों का एक क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट ले तो उसमें जो बच्चों को हम क्वेश्चन आंसर देते हैं तो उसमें जो बच्चे होते हैं कुछ टाइम क्या जो टेस्ट में कुछ आंसर क्वेश्चनों का आंसर वो अच्छे से राइट दे देते हैं, तो उससे हमें क्या लगता है जो बच्चों को हमने जो मैथ्स में कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं कुछ पार्टिकुलर जो क्वेश्चन आंसर है मैथ्स के वो उन्होंने खुद से समझ कर लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्सेप्ट उनका खुद से क्लियर हो गया होगा तभी उन बच्चों ने उस सम्स को सॉल्व किया है. बट ऑल दे माइट नाउ is how to follow a procedure for a particular type of question. परंतु इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि किस तरीके से हमें बच्चों को प्रोड्यूस करना चाहिए कि पार्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे खुद से सॉल्व कर सके, क्योंकि हर एक बच्चे को कुछ सम्स जल्दी समझ आते हैं कुछ लेट समझ आते हैं तो वो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से ही सॉल्व कर पाते हैं. Really thinking about what want students to understand about a concept is an important step in designing task for students that will foster their learning. इसलिए हमें इसके बारे में बहुत ही ध्यान से अच्छे से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे अंडरस्टैंड हो सके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, हम उन्हें बच्चों को सहायक दे सके उनके. इस तरीके की हमें स्टेप उठाना चाहिए, इस तरीके की हमें डिजाइन बनाना चाहिए कि जिससे जो बच्चे होते हैं अपने फॉस्टर लर्निंग के थ्रू अपनी लर्निंग कर सके. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन थिंकिंग अबाउट हाउ वी वॉन्ट टू एक्सेस देम. इसलिए जो टीचर्स होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उन्हें कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए, किस तरीके से बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छे लर्निंग करवा सके गेम्स एक्टिविटीज के थ्रू या फिर जिस तरीके से वो बच्चों को समझाए तो बच्चों को अच्छे से समझ आ सके और वो अपने उसमें सक्सेस हो सके. ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.